सो वेलकम इन द पार्ट सिक्स ऑफ आवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट हो गया, उसके हमने सम्स देखे नर्स्ट इक्वेशन से। देन आफ्टर वी हैव सीन कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें कोलोरस लॉ था। अब आ रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो चलिए आज का वीडियो चालू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको कि पिछला जो पार्ट फाइव था, पार्ट फाइव का जो वीडियो था कोलोरस लॉ था, उसमें मोलर कंडक्टिविटी था। उस सिर्फ पार्ट फाइव में से एक ही वीडियो में से 5 मार्क का बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा था इसी साल, गुजरात बोर्ड 2020। इसी साल मार्च में 5 मार्क का आया था। अब वो कौन सी थियरी या कौन सा सम या कौन सा MCQ आया था, 5 मार्क में क्या आया था, वो जानने के लिए आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करना, पूछना कि सर कौन सा आया था। ओके, विद इन 24 आवर्स, एक दिन के अंदर, ये वीडियो जब मैं अपलोड करा उसके एक दिन के अंदर, उसके बाद अपना बंद हो जाएगा वो हेल्पलाइन, ठीक है? क्योंकि देखते हैं कौन देखता है एक ही दिन में, कौन देखता है वो हमको देखना है। सो लेट अस सी, मैसेज करना, देखते हैं। चलिए तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख लिया है। वी हैव ऑलरेडी सीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब कि हमने देखा था डैनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था, हमको वोल्टेज मिलेगा, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी है या सेल हो गए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वैसे थे। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सेल उल्टा करने वाले हैं। दिस सेल विल कन्वर्ट, ब्लू ले लेता हूँ, दिस सेल विल कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, उल्टा करने वाला ही है, इंटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, ठीक है? मतलब वो उल्टा करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और केमिकल रिएक्शन कराने वाले। अभी तक केमिकल रिएक्शन हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, अब उल्टा होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी विल बी पास्ड एंड केमिकल एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। ओके, इसके अलावा बहुत सारी जगह पे होता है। पहले तो इसका एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम पास करेंगे, दैट मीन्स वी विल पास इलेक्ट्रिसिटी। अब ये लेक्चर जो है पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का हमको नॉलेज होना चाहिए, जो हम 10th में पढ़ गए हैं, और एक्चुअली 12th में फर्स्ट चैप्टर में ही पूरा का पूरा नॉलेज है, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में। तो फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का आपने पढ़ लिया होगा तो अच्छा होगा, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ही है, नया पुराना आएगा, देखते हैं। तो इसमें करना ये है, लेट अस टेक 1 बीकर। ओके, मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो 1 बीकर इन विच 2 इलेक्ट्रॉड्स आर इमर्ज्ड। कौन से 2 इलेक्ट्रॉड है वो अभी देखते हैं हम, आपको ड्रॉ करना है पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करनी है, मतलब हम ज्वाइन करेंगे बैटरी। ओके, बैटरी उसके साथ चलो स्विच आ गई, उसके साथ चलो एक रेजिस्टेंस भी आ गया, ये सिर्फ शो ऑफ के लिए है, रेजिस्टेंस स्विच तो चाहिए चलो। एंड द बैटरी, बैटरी का वोल्टेज है वी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है? वी हैव अ डी सी करंट, हियर वी हैव डी सी करंट, वी विल पास अ डी सी करंट। ओके, तो यहाँ पे करंट पास होगा तो आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमको भरना पड़ेगा, हमको इलेक्ट्रोलाइट भरना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन भरना पड़ेगा। सॉल्यूशन बनने के बाद इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और उसकी वजह से होने वाली है केमिकल रिएक्शन। पहली बात तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें 2 अलग अलग बीकर थे, हियर वी हैव ओनली 1 बीकर। ओके, सेकेंड वन, इलेक्ट्रिसिटी हम पास करें, इस बार बैटरी है, उसमें गैल्वेनोमीटर था, विच विल गिव द प्रेजेंस ऑफ द करंट, हियर वी आर पासिंग द करंट। करंट जो पास हो रहा है उसको हम सपोज ले लेंगे आई, आई जितना करंट पास हो रहा है। अब इलेक्ट्रोड कौन से लेना है, तो हमारा जो है ये एग्जाम्पल, उसमें हम इलेक्ट्रोड लेंगे, दोनों के दोनों कॉपर ही लेंगे, बोथ आर कॉपर इलेक्ट्रोड्स,
तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो होगा ये, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ रही है तो ये वाला जो है यहाँ पे, दिस वन इलेक्ट्रोड ऑफ कॉपर विल बी ऑक्सीडाइज, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और बन जाएगा Cu+2, टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। ठीक है, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन दैट मीन्स दिस वन इज द एनोड, दिस वन इज एनोड। ओके, वैसे तो कॉपर का ऑक्सीडेशन, अब देखिए कॉपर Cu+2 जो बना है, Cu+2 वो Cu+2 नीचे जाने वाला है। जी हाँ, यहाँ से Cu+2 अंदर जाएगा, अंदर हमारे सॉल्यूशन में जाएगा Cu+2। सॉल्यूशन कौन सा लिया? यस, वो तो हमने देखा ही नहीं। सॉल्यूशन जो हमको लेना है वो लेना है कॉपर, कॉपर है तो पूरा कॉपर का बाजार, सो वी विल टेक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर। लेट अस टेक CuSO4, CuSO4 हम लेंगे। अब उस CuSO4 में देखो होगा ये, Cu+2 नीचे गया तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, Cu+2 नीचे गए, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ पे ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाने वाले, पॉजिटिव टर्मिनल के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते घूमते यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नीचे से यहाँ पे आने वाले हैं Cu+2 आने वाले। CuSO4 का हमने सॉल्यूशन एंटर किया है, मतलब Cu+2 एंड SO4-2, सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी Cu+2 था ही, ऊपर से यहाँ से भी नीचे Cu+2 आया, यहाँ से भी नीचे Cu+2 आया, वो Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन लेगा और बना देगा अपना कॉपर मेटल, दैट मीन्स कैथोड रिएक्शन। हियर दिस वन इज द कैथोड। ठीक है, तो वही अपनी रिएक्शन जो हम देखते थे, एनोड कैथोड रिएक्शन। कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे अंदर कॉपर के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी पास करके कॉपर में से Cu+2 बनाया और वही Cu+2 में से फिर से कॉपर बना दिया। भाई फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पे? कोई फ़ायदा ही नहीं दिख रहा हमको। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, हमारी बैटरी ऐसे ही जा रही है, या तो फिर हमारा स्विच बोर्ड से मैं पास करूँगा DC करंट, डायरेक्ट करंट पास करूँगा, तो ऐसे ही बिजली का बिल आएगा, और बिजली का बिल कौन भरेगा? तो भाई इसका भी यूज़ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हम ऐसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहे, क्या यूज़ होगा? इट इज़ यूज्ड टू इम्प्योर अ मेटल। ये जो कॉपर मेटल थी ना, वो कॉपर में से क्या बन रहा है? Cu+2 बन रहा है, और वो Cu+2 नीचे जा रहा है, मतलब कि ये कॉपर, ये जो एनोड वाला कॉपर है, वो पूरा का पूरा यूज़ हो रहा है, धीरे 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 यूज़ हो रहा है, तो वो कॉपर नीचे जाएगा, और वही कॉपर अंदर Cu+2 जो है, और ऊपर से पहले से भी Cu+2 है, वो यहाँ पे आएंगे, जितना Cu+2 नीचे जाएगा उतना ही Cu+2 यहाँ पे आएगा। सो दिस वन, ये जो एनोड है ना, दैट इज़ द इम्प्योर कॉपर मेटल, और अकेला कॉपर ही अंदर जाएगा, और कॉपर यहाँ पे आएगा, मतलब ये जो हमको मिलेगा ना कैथोड पे, दैट इज़ आवर प्योर कॉपर मेटल। तो ऐसे कॉपर को प्योरीफाई कर सकते हैं, फिर जाके मार्केट में बेचना है। कॉपर जैसे भी बनेगा वो कॉपर इम्प्योर होगा, प्योरीफाई करने के लिए कौन सा सेल यूज होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विल बी यूज। सो दिस वन इज यूज टू इम्प्योर अ मेटल, प्योरीफाई द मेटल। ठीक है, सेकेंड यूज बोलता हूँ। सो दिस सेल, इट इज़ ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इट इज़ ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब क्या? मतलब सपोज़ ये जो कॉपर है, कॉपर की जगह पे सपोज़ मैंने सिल्वर रख दिया, ये वाला सिल्वर है, तो सिल्वर नीचे जाएगा, और ये सॉल्यूशन भी सिल्वर का ही है, तो Ag यहाँ पे Ag+1 बनेगा, और Ag+1 यहाँ पे आज क्या आ जाएगा? Ag बन के आ जाएगा, मतलब यहाँ पे सिल्वर आ जाएगा, किसके ऊपर? कॉपर के ऊपर, ये चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, तो कॉपर के ऊपर पूरा सिल्वर का क्या हो जाएगा? प्लेटिंग हो जाएगा। ओके,
चांदी की चमची देखी है? कुछ कुछ चांदी की चमची नकली भी होती है, उसके ऊपर क्या होता है, सिर्फ चांदी का वो एक लेयर होता है, वरक होता है लेयर, अंदर तो क्या होगा, तांबा ही होगा, मतलब कॉपर ही होगा। मतलब ऐसे जो स्पून है वो बाजार में बेच सकते हैं, थोड़ा भाव बराबर इंक्रीज करके, एकदम शाइनिंग स्टाइलिश बता के, चीटिंग करके नहीं। सो इट इज़ यूज टू प्लेटिंग, किसी के ऊपर लेयर चलाने के लिए, एक मस्त सरफेस चलाने के लिए चांदी या गोल्ड की, दिस मेथड विल बी यूज। तो यहाँ पे आ जाएगा तो कॉपर के ऊपर पूरा सिल्वर चल जाएगा। सपोज़ यहाँ पे मैंने कॉपर की स्पून रखी होगी, सपोज़ एक स्पून के शेप की यहाँ पे मैंने स्पून अगर रखी होगी, यहाँ पे लटकाई होगी, तो वो स्पून कॉपर की जगह पे सिल्वर ऊपर, उसके ऊपर सिल्वर का लेयर आ जाएगा, बस फिर मस्त स्टाइलिश बन जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ये सब हो रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रो प्लेटिंग। ओके, सो दे आर इट आर दिस वन इज़ द यूजेस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, ये एक एग्जाम्पल है, वो नेक्स्ट के नेक्स्ट चैप्टर में, जी हाँ चैप्टर नंबर 5 में या 6 में, अभी याद नहीं, चैप्टर नंबर 6 में, हाँ ये सेम थियरी आने वाली है, तो अभी पढ़ लो। उस थियरी का नाम होगा प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, तो प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर यही करेंगे, या तो फिर उस थियरी का नाम ऐसा भी होगा इलेक्ट्रोलिसिस। इट इज़ दिस मेथड इज यूज टू प्योरीफाई द मेटल, यही सेम है, यही रिएक्शन लिखनी है। ओके, तो अभी से याद रख लो, कॉपर कॉपर लेना है, अंदर कॉपर का सॉल्यूशन लेना है, Cu+2 बनेगा, Cu+2 से Cu बनेगा, यहाँ से कॉपर यहाँ पे आएगा, पर प्योर बन के आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ और रिएक्शन देखते हैं। नाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हमको जो इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट मिलेगी, अभी तो कॉपर कॉपर ही था तो कॉपर मिल रहा था, पर ये प्रोडक्ट किस पे डिपेंड रखती है? सो प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन, एक तो नेचर, नेचर ऑफ मटेरियल जिसको हमको इलेक्ट्रोलाइज करना है, नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस हमको करनी है, उस मटेरियल का अपना नेचर, एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड। मतलब कि सिंपल बोलूँ तो एक तो जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, जो सॉल्यूशन लेंगे वो, और दूसरा इलेक्ट्रोड, वो दोनों के ऊपर डिपेंड रखेगा कि हमारा हमको प्रोडक्ट क्या मिलने वाली है। ओके, वैसा है। फॉर एग्जांपल सपोज़ मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ किए, इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब कि इसी चैप्टर हमने देखा था, इनर्ट इलेक्ट्रोड दैट मीन्स प्लेटिनम गोल्ड, तो ऐसे इलेक्ट्रोड रिएक्शन करेंगे ही नहीं, ये इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा ही नहीं, बस वो इलेक्ट्रोड क्या देंगे, सरफेस देंगे कि भाई आप लोग मेरी सरफेस पे आओ एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन करो, वैसा है। फिर कभी कभी हम सॉल्यूशन कैसा ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड रखेगा कि किसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, कौन सी प्रोडक्ट हमको मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज पहला मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl, मॉल्टन दैट मीन्स कि NaCl, नमक को पिघलाओ और उस नमक का क्या करो, इलेक्ट्रोलिसिस। तो मॉल्टन NaCl मतलब कि ओनली नमक ही, हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ये जो हमने लिया था, ऐसी कोई भी डायग्राम हमारे बुक के अंदर तो एक भी नहीं है, फिर भी ऐसा होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, ये क्या लेना है हमको, NaCl, ये पूरा का पूरा ओनली NaCl ही होगा, ओनली NaCl एंड NaCl। तो उसमें सिंपल NaCl में क्या होगा, एक तो Na प्लस होगा और दूसरा होगा Cl माइनस, तो Na प्लस में से बन जाएगा Na एंड Cl माइनस बिकम Cl2, एक ही Cl लिया है तो मैं यहाँ पे 1/2 ले लेता हूँ, 2 कैंसिल, एक ही Cl मिलेगा, तो ये बनेगा Na प्लस। Na कैसे बन गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 था यहाँ पे, उससे 0 बन गया, मतलब कि फर्स्ट रिएक्शन इज़ द कैथोड, ऐसा नहीं कि पहला लिखो तो एनोड ही होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, -1 से क्या बन गया, 0, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, दैट मीन्स दिस वन इज़ द एनोड।
तो एनोड पे क्लोरीन मिलेगा, कैथोड पे सोडियम मिलेगा। एनोड में ऑलवेज एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सी एल माइनस ने अपना माइनस दे दिया और बन गया सी एल टू। एन ए प्लस ने एक माइनस लेके प्लस माइनस हो गया न्यूट्रल। तो मोल्टन एन ए सी एल में हमको ये प्रोडक्ट मिलेगी, मोल्टन एन ए सी एल। बट इफ वी डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड, पूरा लिखता हूँ चलो, कॉन्सनट्रेटेड एन ए सी एल, मोल्टन एन ए सी एल मतलब कि सिर्फ एन ए सी एल लो, नमक लो और उसको पिघलाओ और उसको ले लो। फिर कॉन्सनट्रेटेड एन ए सी एल का मतलब क्या होगा, पानी H2O में एन ए सी एल डालना है, H2O में हमारा नमक डालना है और वो भी ज़्यादा डालना है। कॉन्सनट्रेटेड डेट मीन्स मोर एन ए सी एल इन आवर वाटर, इन आवर वाटर मतलब वाटर तो है, ये मोल्टन में कोई वाटर नहीं था, मोल्टन में कोई वाटर था ही नहीं, क्योंकि मोल्टन मतलब सिर्फ एन ए सी एल को पिघला के लिया था। इस बार कॉन्सनट्रेटेड मतलब कि हमारा वाटर भी है। तो अब क्या होगा, हमने अभी ये लिया है तो यहाँ पे कौन कौन से आयन है, एक तो H प्लस है, दूसरा O माइनस टू है, O माइनस टू होता है, थर्ड वन एन ए प्लस एंड फोर्थ वन सी एल माइनस, ये चार चार है। चार में से इन दोनों की कॉम्पिटिशन होगी, ये दोनों प्लस वन है, तो प्लस वन से वो क्या H प्लस एच टू बनाने की ट्राई करेगा, एन ए प्लस एन ए बनाने की ट्राई करेगा, H प्लस एच टू बनाने की ट्राई करेगा, एन ए प्लस एन ए बनाने की ट्राई करेगा, क्योंकि ये दोनों में क्या हो रहा है, प्लस वन से जीरो मतलब रिडक्शन, ये दोनों में से किसी एक का रिडक्शन होने वाला है। और O माइनस टू बनाने की ट्राई करेगा O टू सी एल माइनस सी एल टू, मतलब इन दोनों में से किसी एक का ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो यहाँ पे तो कंपटीशन, यहाँ पे तो कोई था ही नहीं कंपटीशन में, कॉम्पिटिटर में कोई नहीं था, एन ए प्लस सी एल माइनस दो ही थे सिर्फ, तो एक एनोड पे चला गया, दूसरा कैथोड पे चला गया और हो गया हमारा ये जो सॉल्यूशन होता है उसमें एन ए प्लस सी एल माइनस ही थे, तो एक चला गया एनोड पे, दूसरा कैथोड पे, दोनों मिल गए। पर यहाँ पे एनोड कैथोड दोनों में कॉम्पिटिशन है, तो कौन जीतेगा। सो नाउ दिस वन विल बी डिपेंड्स ऑन देयर पोटेंशियल, देयर पोटेंशियल मतलब कि ई सेल, वो वोल्टेज वाला पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन दैट मीन्स अमाउंट, दोनों का मिक्सचर मतलब दोनों मिला जुला के, दोनों का कॉम्बिनेशन होके फिर कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है वो हमको मिलेगा। ओके पोटेंशियल मतलब कि सेल पोटेंशियल, सपोज़ इनका रिडक्शन हो रहा है तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल में किसका ज़्यादा है, और कॉन्सनट्रेशन भी कौन किसकी ज़्यादा है, ये दोनों में ऑक्सीडेशन होने की क्या है कॉम्पिटिशन, तो दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है प्लस कॉन्सनट्रेशन भी किसकी ज़्यादा है। तो फिर देखने को ये मिला, व्हेन वी एडेड कॉन्सनट्रेटेड एन ए सी एल देन विच रिएक्शन विल बी अकर, तो भाई तब होगा ये एन ए प्लस एच प्लस में से हमारा एन ए जीत जाएगा, ऊपर जो रिएक्शन लिखी है वही होगी, सी एल माइनस ओ माइनस टू में से अपना सी एल माइनस जीत जाएगा। ओ रॉन्ग लिख दिया, यस सी एल माइनस तो जीत ही जाएगा और बनेगा सी एल टू, पर ये एन ए नहीं जीतने वाला, सॉरी बेचारा एन ए, एन ए प्लस और एच प्लस में से कौन जीत जाएगा, एच प्लस, H प्लस बना देगा H2 एंड रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला एनोड एंड दिस वन इज द कैथोड, तो ये रिएक्शन होने वाली है बच्चों, ठीक है। व्हेन वी डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दिस सॉल्यूशन कौन सा देते NaCl, तो Cl- माइनस में Cl2 मिलेगा और H प्लस मतलब कि H2 में से हमको क्या मिलने वाला है, H2 वन हाफ H2 एक इलेक्ट्रॉन वो दूर करेगा और बाकी OH माइनस मिलेगा। इसकी जगह पे मेन रिएक्शन ये है, ठीक है, एक इतना भी सिंपल नहीं होता, Cl माइनस में से Cl2 H प्लस में से H2 अंदर वाटर है, वाटर, तो वाटर की ये रिएक्शन होगी और हमको क्या मिलेगा H2, वैसा है। नाउ द थर्ड वन,
थर्ड वन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट डाइल्यूट NaCl, दैट मीन्स लेस NaCl एंड मोर वाटर। बहुत सारे वाटर के अंदर सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला है, तो इसमें भी वही कंपटीशन होगी। और इस बार कंपटीशन में जीतने वाले हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जी हाँ, इस बार ये जीत जाएंगे। H2O कैसे मिलेगा? तो ऊपर की सेम रिएक्शन, वन हाफ H2 इलेक्ट्रॉन OH-। ओके, ये जो है वो। और अपना O2 कैसे मिलेगा? तो O2 H+ अलग होंगे, H+। वैसा है। एनोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। ओके, सॉरी, कैथोड, कैथोड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा और एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मुझे एक ही चाहिए, सो वन हाफ ऑक्सीजन H2 2H+। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी। और एक्चुअली एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि O-2 होता है, एक ऑक्सीजन में से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो ये रिएक्शन होगी। मतलब कि यहाँ पे इन शॉर्ट पानी पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। NaCl बेचारा डाला है वो तो यहाँ पे आया ही नहीं कहीं पे, सिर्फ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। तो डायल्यूट NaCl का करोगे तो NaCl तो साइड पे रह जाएगा, NaCl में से कुछ नहीं मिलेगा, हमको पानी में से ही H2 और O2 मिल जाएगा। तो प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन अगर हमको इंडस्ट्री में करना है तो ये रिएक्शन है मस्त। और ये तीनों तीन रिएक्शन में हमको इलेक्ट्रोड कौन से लेने हैं? इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स जो लेने हैं वो लेने हैं हमको इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, मतलब कि प्लेटिनम, गोल्ड या तो फिर ग्रेफाइट ले लो, ये सब लेने हैं। ठीक है, ताकि उनका यहाँ पे रोल सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की सरफेस देना हो और कुछ नहीं। तो बच्चों ये MCQ में आ सकता है। अगर मोल्टन मोल्टन का अगर आप कर रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस, तो कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, कोई भी एक पूछ लेंगे कैथोड पे क्या मिलेगा एनोड पे। ओके, तो कैथोड मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना चाहिए, तो कैथोड नंबर में ऑलवेज प्लस से ज़ीरो होगा, एनोड में माइनस से ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड में खास ध्यान रखना है, कैथोड H2 एनोड Cl2। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट, तो वाटर का ही हो जाएगा, कौन सा कैथोड पे मिलेगा कौन सा एनोड पे वो भी याद रखना है। ठीक है, तो ये था पानी का ही था। सो इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें ये NaCl का अंदर एग्जाम्पल दिया है, MCQ के लिए खास ध्यान रखना है। चलो अब हम देखते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये काम कैसे करता है, इलेक्ट्रोलिसिस किस पर डिपेंड रखता है, कब ज़्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होगा, जब कब ज़्यादा हमको प्रोडक्ट मिलेगी, कब कम मिलेगी, मैं क्या करूँ तो ज़्यादा मिलेगी, क्या करूँ तो कम मिलेगी, वो देखते हैं। सो फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अ माइकल फैराडे गिव टू लॉस फॉर दिस इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो पहला लॉ उसने ये दिया था, फर्स्ट लॉ, उसने सिंपल सोचा कि भाई मुझे प्रोडक्ट कब मिलेगी। मैंने पहले वाले में पहला वाला जो हमारा एग्जांपल था कॉपर वाला, कब मुझे कॉपर कैथोड पे कब कॉपर ज़्यादा मिलेगा, प्योर कॉपर मैं बना रहा हूँ पर उसकी स्पीड भी होनी चाहिए, तो मैं ऐसा तो क्या करूँ पूरे में कि मुझे कॉपर, मतलब हम मुझे जो अपना प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ज़्यादा मिले। तो सिंपल उसने सोचा, भाई सिंपल है, ज़्यादा करंट पास करोगे तो हमको जो अपना प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा मिलेगा, जितना ज़्यादा करंट पास करो, जितना पावरफुल करंट पास करो उतना रिएक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिलेगी, सिंपल है। ओके, सो अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कब ज़्यादा होगी, दी अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर, कहाँ पे होगी, विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड,
एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इस डिपेंड्स ऑन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू इस प्रोपोर्शनल टू किस पर में रखेगा तो अमाउंट ऑफ करंट पास पर हम लिखेंगे इस प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी मतलब द अमाउंट ही द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट इलेक्ट्रिसिटी पास्ट थ्रू द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रो ओके द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट ये यहाँ पे मेन है द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर कहाँ पे ऑन द इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट थ्रू द इलेक्ट्रोड दो बार इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड लिख देना है मतलब कि सिंपल अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमको क्या मिल रहा है हमको मैटर मिल रही है हमको कोई ना कोई एलिमेंट मिल रहा है तो उसका मास मास कब ज़्यादा मिलेगा मास किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है इस प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज मोर चार्ज विल गिव यू मोर प्रोडक्ट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे जितना ज़्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज़्यादा हमको मास मिलेगा उस मेटल का या तो फिर नॉन मेटल जो होगा वो सो दैट इज़ द फर्स्ट लॉ नाउ द सेकंड लॉ इज़ द कंपैरिजन सपोज़ मैंने सेम इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास सपोज़ चार आई हैव फोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब पहला वाला ये वाला कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेरे पास चार इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ए जी एम जी एन ए एंड ए एल चारों चार में मुझे ये मिलेगा पहले वाले में ए जी मिलने वाला है सिल्वर दूसरे वाले में मैग्नीशियम तीसरे वाले में सोडियम चौथे वाले में एल्यूमिनियम चारों में से मैं सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगा सेम इलेक्ट्रिसिटी विल बी पास्ड फॉर सेम टाइम आप बोलोगे भाई जिसमें ज़्यादा टाइम पास करोगे उसमें ज़्यादा मिलेगा पर टाइम भी सेम सेम इलेक्ट्रिसिटी पास फॉर द सेम टाइम तो फिर क्या हर एक मेटल मुझे सेम अमाउंट मिलेगी सबका मास सेम मिलेगा मुझे सब में सेम चार्ज पास करो तो सेम मिलेगा ये फर्स्ट लॉ किसके लिए है फर्स्ट लॉ इज़ नॉट फॉर द कंपेरिजन इट इज़ ओनली फॉर द वन सेल एक ही सेल के अंदर तुम जितना ज़्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज़्यादा मास मिलेगा पर अलग अलग सेल में मुझे सेम पास करूँ तो किस में मुझे ज़्यादा मिलेगा तो वही हम देखते हैं नाउ सेकंड लॉ और सेकंड लॉ हमारा ये बोलता है बनता है क्या बोलता है द अमाउंट ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस सब अलग अलग मैंने लिया है ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस तो then there then amount of product liberated is proportional to what इज़ प्रोपोर्शनल टू तो अभी तक तो क्या हमने लिखा
द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस अलग अलग, देन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लिबरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू टू अभी आ रहा है सस्पेंस देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट, देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। अरे ये क्या आ गया, केमिकल इक्विवेलेंट वेट मतलब कि मास प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा उसका उसका हमको मास ज़्यादा मिलने वाला है, मतलब सबका सेम नहीं मिलेगा। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, इट इज़ नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द कैटायन। चलो कुछ पता नहीं चला है, कोई बात नहीं, कुछ पता नहीं चला तो ए जी एम जी एन ए एन ए एल, चलो ये चार लेता हूँ मैं, ए जी एम जी एन ए और ए एल वो अंदर है, हमको चाहिए, हमको चाहिए ए जी प्रोडक्ट चाहिए, एम जी चाहिए, एन ए एंड ए एल ये चाहिए। तो अंदर सॉल्यूशन में क्या होगा, ए जी प्लस होगा, एम जी क्या होता है प्लस टू, एन ए क्या होता है एन ए प्लस वन होता है, और ए एल क्या होगा ए एल प्लस थ्री होगा। जी हाँ, ऑलवेज ए जी प्लस वन होता है, एम जी प्लस टू, एन ए प्लस एन ए एल प्लस थ्री, इसमें से ये बनने वाला है, इसमें से ये बनने वाला है, ठीक है। पर मेरे पास ए जी प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ए जी बना देगा, एक ही इलेक्ट्रॉन में दे रहा हूँ, एक ही इलेक्ट्रॉन, देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन में दे रहा हूँ, ओके वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन। तो फिर क्या होगा, ए जी प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा और बना देगा ए जी, ए जी प्लस के आगे कुछ नहीं मतलब वन मोल है, वन मोल ए जी प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वन मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बना दिया, चलो हो गया। वन मोल एम जी प्लस टू, प्लस टू है तो एम जी प्लस टू, तो उसको तो भाई दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाके एम जी बनेगा। एग्जैक्ट ये रिएक्शन है, एग्जैक्ट ये रिएक्शन है, लेकिन हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक मोल एम जी प्लस टू में से एक मोल एम जी बनाना है, एक मोल एम जी प्लस टू में से एक मोल एम जी, तो हमको दो मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे तो दो मोल नहीं, एक ही मोल है, आधे ही है, आधे ही है, तो भाई यहाँ पे आधा ही मिलेगा। जी हाँ, हाफ मोल एम जी मिलने वाला है, एम जी प्लस टू को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही है तो फिर आधा एम जी। ये इक्वेशन को डिवाइड बाई टू करो, ये इक्वेशन को डिवाइड बाई टू करो, तो टू टू कैंसिल, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, एन ए प्लस एक, एन ए प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, चलो हो गया। ए एल प्लस थ्री है, अगर आपको ए एल प्लस थ्री में से ए एल बनाना है तो हमको तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए, वन मोल एन ए, वन मोल एल ए एल प्लस रिक्वायर्ड थ्री मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन मोल ए एल रिक्वायर्ड थ्री मोल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे तो भाई क्या है, एक ही मोल इलेक्ट्रॉन है, तो डिवाइड बाई थ्री करो, डिवाइड बाई थ्री, तो ये क्या मिलेगा, वन बाई थ्री। तो हर एक में मैंने देखो सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की है, हर एक में से मैंने वन मोल इलेक्ट्रिसिटी पास की है, वन मोल, तो वन मोल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी पास करो, वन मोल इलेक्ट्रिसिटी, तो मुझे क्या मिल रहा है, वन मोल ए जी बट वन हाफ मोल मैग्नेशियम, वन मोल सोडियम एंड वन थर्ड मोल एल्यूमिनियम। तो इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट दैट मीन्स एटॉमिक मास जो होगा उनका एटॉमिक मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैंने क्या लिखा था, एटॉमिक मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द कैटायन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द कैटायन, इसको दो चाहिए तो डिवाइड बाई टू करो, इसको थ्री चाहिए तो डिवाइड बाई थ्री करो, इन दोनों को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो डिवाइड बाई वन करो, वन बाई वन तो वन ही आएगा। तो इसका मेन यूज़ हमारा ये सम्स में होगा। जी हाँ, सम्स में, सम देखने से पहले कुछ आ रहा है, वन मोल इलेक्ट्रॉन
बराबर कितना होता है 1 मोल लीटर, मतलब कि कितना चार्ज होगा। तो सबसे पहले चार्ज जो होता है ना, चार्ज चार्ज का यूनिट, चार्ज का यूनिट क्या है, जैसे कि डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर में, तो चार्ज का यूनिट है कूलम, मतलब कि कैपिटल सी। कूलम नाम का साइंटिस्ट था, उसकी याद में कूलम रखा गया है। फिजिक्स में तो पहले चैप्टर में ये मोस्ट, इसके बिना कुछ चलेगा ही नहीं। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल मतलब कि 6.023, 6.022 × 10^23। 1 मोल मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमको पता है एवोगैड्रो नंबर जितने, चलो 6.02 ही लिखता हूँ, × 10^23 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो वो भी फिजिक्स में आएगा इतना। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो हमारे पास तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन है 1 मोल के अंदर, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, तो हमको मिल जाएगा चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। पहले जो है वो डिवाइड में, बाकी सब मल्टीप्लाई में, 1.6 × 10^-19। तो चलो बच्चों ये करो, तो ये आएगा, पॉइंट में नहीं लिखना है हमको, तो फिर आएगा 96487 कूलम। ये कितने हैं, 1 मोल के लिए, पर 1 मोल, एंड दैट इज़ कॉल्ड एफ फैराडेज कॉन्स्टेंट, जिसको हमने नर्न्स्ट इक्वेशन में यूज़ भी किया था। तो फैराडेज कॉन्स्टेंट एफ 96487, ओके। कभी कभी उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी लेंगे, राउंड ऑफ करके 96500। जी हाँ, 96500, ओके। और फिर सम पे जाने से पहले फिजिक्स का एक आ रहा है, फिजिक्स पढ़ लेते हैं ये चैप्टर, तो ये इजी लगता है। एक फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू दैट मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, आई इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिक करंट, और टी तो अपना टाइम है, ओके। ये चलो, अब इन सब के ऊपर से हम सम्स देखते हैं, सम्स। तो ये एग्जाम्पल 3.10, अ सॉल्यूशन ऑफ सी यू एस ओ फोर इज इलेक्ट्रोलाइज, सी यू एस ओ फोर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है फॉर 10 मिनट्स विथ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। करंट दैट मीन्स आई, और वो दिया है 1.5 एम्पियर, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ये भी अपना फिजिक्स का ही है, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, 10th में आ चुके हैं और 12th में तो इसके बिना चलेगा ही नहीं। टाइम इज 10 मिनट, पर मज़ा नहीं आया, मिनट को ऑलवेज सेकंड में कन्वर्ट कर ही देने का भाई, सेकंड में, मिनट से सेकंड में जाओ तो 60, तो 600 सेकंड। छोटी छोटी बात याद रखनी है। व्हाट इज़ द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड, 10 मिनट में कितना हमको, कितना ग्राम, कितना किलोग्राम हमको कॉपर मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे स्टेप है बराबर जो बनाए हैं, सबसे पहले तो स्टेप 1, ऐसा कोई भी समय है ना, स्टेप 1 पहला करना है हमको चार्ज फाइंड करना है क्यू इक्वल टू आई टी से, फाइंड द चार्ज क्यू इक्वल टू आई टी, 1.5 × 600, तब जाके हमको सबसे पहले चार्ज मिलेगा, एंड दैट इज़ द 900 कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज इज 900 कूलम। नाउ स्टेप 2, हमको लिखनी है रिएक्शन, यहाँ पे कॉपर मिलने वाला है, तो कॉपर, कॉपर किस में से मिलेगा, तो Cu+2, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हमको कॉपर मिल जाएगा। यह है अपनी कैथोड रिएक्शन, और एनोड को लिखना ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है उसका, हमको कॉपर ही चाहिए, सिर्फ काम की बात करनी है, ओके। रिएक्शन लिख दी। नाउ स्टेप 3, ओके, फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, मोल, मोल ऑफ कॉपर, कॉपर के फाइंड करने हैं, तो देखो फॉर्मूला है Q अपॉन N-F, ये हमारे विनर सर का बनाया हुआ फॉर्मूला, पर्सनल फॉर्मूला है,
किसी को बताना नहीं है, कहीं भी आपको दिखेगा भी नहीं। मोल ऑफ कॉपर इक्वल टू क्यू अपन एन डैश। मास फाइंड करना हो, कुछ भी फाइंड करना हो, भजिया वड़ा पाव, सबसे पहले हमको मोल फाइंड करना पड़ेगा, मोल ही मिलेगा। तो मोल ऑफ कॉपर इक्वल टू क्यू अपन एन डैश। क्यू क्यू इज 900, हमने अभी फाइंड किया, अपॉन एफ हमको पता है 96487, अप्रोक्सीमेट नहीं लेंगे हम, एग्जैक्ट में एग्जैक्ट ही लेंगे। वॉट इज़ एंडेस? तो यहाँ पे एंडेस अपना 2 है। एंडेस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए स्टेप 2 इम्पोर्टेंट है। स्टेप 2 कुछ नहीं, हमको सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे, कितना इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ई के आगे 2 है, तो यहाँ पे एंडेस इक्वल टू 2 रखना है। बस ये करो तो हमको मोल मिल जाएंगे। तो ये करेंगे तो आंसर आएगा 0.00466। बहुत छोटा सा आंसर आएगा क्योंकि 10 मिनट के लिए हमने पास किया है, ठीक है। मोल मिल गया, अब हमको मास चाहिए कॉपर का मास, तो अब सिंपल है, मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास, मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास, हमारा फॉर्मूला 0.00466 मोल आया। मास, मोलर मास ऑफ कॉपर, देखिए वो याद रखना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ कॉपर 63, एक्चुअली दिया जाना चाहिए लेकिन कॉपर का है 63, याद ही रख लो, 63 मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 0.2938 अप्रोक्सीमेटली, मतलब यही आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। तो देखिए स्टेप नंबर 1 तो फिक्स है, क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी। स्टेप नंबर 2 रिएक्शन, स्टेप नंबर 3 क्यू अपन एंडेस एफ, मोल इक्वल टू क्यू अपन एंडेस एफ, जो अपना बनाया गया है मेड बाय विनस सर, मोल ऑफ कॉपर इक्वल टू क्यू अपन एंडेस एफ। और फिर लास्ट में स्टेप 4 वो चेंज होता रहेगा। अभी हमको मास फाइंड करना है, मोल मिल गया, मोल के ऊपर से मास फाइंड करना है, तो मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास। सपोज हमको बोले फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम, तो मोल फाइंड करने के बाद हम करेंगे पी वी इक्वल टू एन आर टी, मोल मतलब एन मिल गया, टी और आर दिया होगा, प्रेशर दिया होगा, वॉल्यूम फाइंड कर लो, ठीक है। मतलब स्टेप 4 एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसा है वैसा, चलो ऐसा ही। इनटेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.10, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3.10। अब ये तो एक्चुअली फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, इसमें ये सब वो सब कुछ करना ही नहीं है। करंट इज गिवन 0.5 एम्पियर, टाइम 2 आवर्स, टाइम्स इज 2 आवर्स, आवर को सेकंड में ले जाएंगे तो 3600, तो 7200 सेकंड। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर, कितने इलेक्ट्रॉन्स वायर में जाएंगे, वायर में फ्लो करेंगे। फिजिक्स का थर्ड चैप्टर इसी, वो थर्ड चैप्टर का ये, फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का ये है पूरा। इसमें कुछ इलेक्ट्रोलिसिस हो ही नहीं रहा, कोई मेटल का नाम नहीं दिया है, कुछ नहीं है, एक सेल का भी नाम नहीं लिया है, फिजिक्स की है पूरा फिजिक्स। तो देखो फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू आई टी, पहले ये करता हूँ, 0.5 7200, तो आंसर आएगा 3600 कूलम, चार्ज मिल गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं थ्रू द वायर, तो इतना चार्ज पास हो रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी हमने देखा फिजिक्स में, तो आएगा ही 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, अगर इतना चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन, 3600 चार्ज होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, ओके 1.6 × 10⁻¹⁹ चार्ज, देन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो चार्ज है अपना, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे भी मिल जाएगा। एक सिंपल फॉर्मूला भी है क्यू इक्वल टू एनी, फिजिक्स का सबसे पहला जो फॉर्मूला आप सीखोगे वो ये होगा,
इन चैप्टर नंबर 1, क्यू इक्वल टू एन ई, 600 इक्वल टू एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब कि 1.6 × 10⁻¹⁹. उसको डिवाइड में जाने दो, 3600 डिवाइड बाई 1.6. अब भी कर देता हूँ कैलसी में, तो वो आएगा 2250 डिवाइड में जाएगा तो 10⁻¹⁹, फिर ऊपर चला जाएगा प्लस 19. तो क्यू इक्वल टू आई टी, एन क्यू इक्वल टू एन ई, दो फॉर्मूले लगाओ आंसर आ जाएगा. ये सम का ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, आ ही जाएगा अपने वो उसमें, उसमें किस में, उसमें उसमें. अब देखो बच्चों, एक ये सम तो चलो छोड़ो, इसके पहले एक ही सम देखा हमने, एक ही सम से तो कुछ होगा नहीं, कुछ भला होगा नहीं, पर हम देखेंगे सब सम एक साथ देखने वाले एक्सरसाइज के सब सम. ओके, बीच बीच में होमवर्क मिलता रहेगा. आज का आपका होमवर्क ये है, जो मेन याद रखना है होमवर्क ये है कि पहले तो ये दो सम करने हैं जो मैंने कराए, वो जो भी मैंने कराए वही दो सम आपकी फेयर नोटबुक में करने हैं. फिर फैराडे के दोनों लॉ लिखने हैं, फैराडेज लॉ. उसके बाद सबसे पहले जो मैंने कराया वो क्या कराया, कोपर वाली रिएक्शन जिसको बोलते हैं प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ कोपर सबसे पहला जो मैंने कराया ये वाला, वो पूरा आपको करना है. वीडियो पॉज करके लिखना चालू कर देना, ठीक है. तो दो लॉ, दो सम्स, एक ये और फिर ये भी, ये पूरा कराया तीनों तीन. प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तो मॉल्टन NaCl कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, प्रोडक्शन ऑफ NaCl, प्रोडक्शन ऑफ, तो ये चारों चार चीज़. जी हाँ, मतलब कि सबका सब, कुछ रहा ही नहीं गया. दो दिन में बताना है. वीडियो अपलोड किया मैंने, मतलब लिंक सेंड की है, उसके दो दिन में ये चारों चार चीज़ मुझे फ़ोटो सेंड करना है. फ़ोटो सेंड करना मतलब करना ही है इस बार तो. ओके चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत सारे हम सेल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो बाय.